हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 के लिए सभी 90 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कहां कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। जी अंबाला के एंड की बात की जाए तो अनिल विज जीते हैं, निर्मल सिंह की यहां से हार हुई है। लगातार आपको बता रहे हैं किन किन हलकों से जो है कौन जीता कौन हारा। अंबाला शहर से असीम गोयल जीते, विनोद शर्मा हारे। तो वहीं असंध की बात की जाए तो असंध से बख्शीश सिंह को जीत हासिल हुई है। मराठा वीरेंद्र सिंह हारे हैं बसपा की तरफ से। सतबीर इनेलो की तरफ से खड़े हुए थे, हार का सामना टेली से उनको करना पड़ा। संतोष यादव को जीत हासिल हुई है यहां से। बाड़ला की बात की जाए तो सुखविंदर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार मिली है कांग्रेस प्रत्याशी को। बड़खल से महेंद्र प्रताप सिंह हारे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमा तिरखा जीती हैं। वहीं बादली की बात की जाए कुलदीप वत्स को हार मिली है। ओम प्रकाश धनखड़ ने जीत हासिल की है बादली से। राकेश दौलताबाद इनेलो से हार गए हैं। बादशाहपुर की बात करें, नरवीर सिंह ने जीत हासिल की है बादशाहपुर से। बता दें आपको बहादुरगढ़ के चुनावी नतीजे के बारे में, राजेंद्र सिंह जून हारे हैं। नरेश कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की है। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से जीते हैं। बीजेपी की तरफ से लखन कुमार सिंगला हारे हैं कांग्रेस की तरफ से। श्री कृष्ण जीते हैं बड़ौदा से जीत हासिल की है। तो वहीं बरवाला की बात की जाए, सुरेंद्र पुनिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरे नंबर पर वो रहे। श्याम सुंदर दूसरे नंबर पर रहे भवानीखेड़ा से। भवानीखेड़ा की बात करूँ, दया भुरताना हारी हैं। विशंबर सिंह यहाँ से जीते हैं। बेरी की बात की जाए तो छतर सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जीत हासिल की है सुबीर सिंह ने। घनश्याम सर्राफ भिवानी से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। निर्मल सर्राफ को हार मिली, दूसरे नंबर पर वो रहे। डबवाली से कमलवीर सिंह हारे हैं। बता दें आपको दादरी की अगर जिक्र आता है तो दादरी से राजदीप ने जीत हासिल की है। सोमवीर हारे हैं भारतीय जनता पार्टी से। पवन बेनीवाल दूसरे नंबर पर रहे हैं। अभय चौटाला ने जीत हासिल की है अहलाबाद से। विपुल गोयल जीते हैं फरीदाबाद से, जबकि आनंद कौशिक हारे हैं फरीदाबाद सीट से। पंडित शिवचरण लाल शर्मा हारे हैं फरीदाबाद। एनआईटी की बात करूं तो जीत हासिल की है नागेंद्र भड़ाना ने। बलवान सिंह फतेहाबाद से जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे इनेलो की तरफ से। टूडाराम हारे हजका की तरफ से। मम्मन खान फिरोजपुर झिरका से हार का उनको सामना करना पड़ा। नसीम अहमद ने जीत हासिल की है यहाँ से। गन्नौर की बात की जाए तो कुलदीप शर्मा कामयाब रहे कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल करने में। निर्मल रानी को हार का सामना करना पड़ा यहाँ से। गढ़ी सांपला किलोई से सतीश नांदल हारे, जीत हासिल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका अपना ही गढ़ माना जाता है। अरविंदर कल्याण घरौंडा से जीत हासिल की है। नरेंद्र सांगवान हारे हैं। गोहाना की बात की जाए तो गोहाना से सुखबीर सिंह मलिक जीते हैं। केसी बांगड़ हारे हैं। दिल्लू राम हारे हैं कांग्रेस की तरफ से। गुहला से बात की जाए तो कुलाराम जीते हैं यहां से। उड़गांव की बात की जाए तो उमेश अग्रवाल ने जीत हासिल की है, जबकि गोपीचंद गहलोत ने यहां इनको हार का सामना करना पड़ा। हांसी से रेणुका बिश्नोई जीती हैं हजगा से। विधानसभा क्षेत्र हतीन की बात की जाए तो हतीन से केहर सिंह जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हर्ष कुमार हार गए यहां से। हिसार विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कमल गुप्ता जीते, सावित्री जंदल पीछे रहीं इनसे। होडल से उदय भान जीते हैं, जगदीश नायर को यहां से हार का सामना करना पड़ा। इंद्री की बात की जाए तो यहां भी कमल खिला। नू में इनेलो का दबदबा देखने को मिला, जाकिर हुसैन यहां से जीते। आफताब अहमद कांग्रेस पार्टी से हारे। करण सिंह दलाल अभी जिक्र सामने आ रहा है। विधानसभा क्षेत्र हांसी की बात की जा रही है, उनका बिश्नोई यहाँ से जीती। उमेश सिंह लोहान यहाँ से हारे। हतीन की बात की जाए तो केहर सिंह जीते हैं, हर्ष कुमार को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। कमल गुप्ता जीत हासिल की है इन्होंने हिसार, सावित्री जनता पीछे रहीं से। जगदीश नायर होडल से हारे, उदय भान ने जीत हासिल की यहाँ से। उसके बाद नंबर आता है इंद्री का। इंद्री विधानसभा क्षेत्र से बता दें आपको, करण देव कंबोज जीते हैं। उषा कश्यप यहां से हारी इनेलो की टिकट पर। इसराना की बात की जाए तो इसराना से कृष्णलाल पवार जीते हैं, हार का सामना करना पड़ा बलवीर सिंह को। अकरम खान हारे हैं जगाधरी से बसपा की टिकट पर। कंवरपाल जीते हैं भाजपा से। अकरम खान गीता भुक्कल ने जीत हासिल की है यहां से। विधानसभा क्षेत्र जींद की बात की जाए तो जीते हैं हरिचंद्र मीणा। जी हाँ, जुलाना की बात की जाए परमिंदर सिंह ढुल्लो जीते हैं, धर्मेंद्र सिंह ढुल हारे हैं यहाँ से। जी हाँ, तो कहीं खुशी का माहौल देखने को मिला तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए तो उन्होंने जीत हासिल की, जबकि कैलाश भगत इनके प्रतिद्वंदी रहे
यहाँ से इनसे काफ़ी पीछे रह गए, हार गए। कलानौर की बात की जाए, कलानौर विधानसभा क्षेत्र से राम अवतार वाल्मीकि हार कर उनको सामना करना पड़ा। शकुंतला जीती हैं यहाँ से। बलकौर सिंह कालावली से जीत हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि शीशपाल केहरवाला यहाँ से हारे। कलायत की बात करें तो रामपाल माजरा को हार का सामना करना पड़ा। जयप्रकाश ने यहाँ पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी से रतिका शर्मा कलायत से जीती। प्रदीप चौधरी इनेलो की तरफ से हार गए। प्रदीप चौधरी की बात हम कर रहे हैं, लगातार तमाम प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहीं खुशी देखी तो कहीं गम। खरखौदा से जयवीर सिंह जीते, पवन कुमार हारे। जगदीश यादव कोसली से हारे, जबकि विक्रम सिंह ठेकेदार ने जीत हासिल की कोसली विधानसभा क्षेत्र से। लाड़वा में पवन सैनी ने परसम लहराया, तो वहीं बच्चन कौर बड़श्यामी पीछे रह गए, काफ़ी हार का उनको सामना करना पड़ा। लोहारू से ओम प्रकाश ने जीत हासिल की। जयप्रकाश दलाल हारे। नरेंद्रगढ़ से जीत हासिल की रामविलास शर्मा ने, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष। हार का सामना करना पड़ा राव दान सिंह को यहाँ से। महम की बात की जाए, शमशेर सिंह खरकड़ा को हार का मुंह देखना पड़ा। आनंद सिंह दागी ने यहाँ पर जीत हासिल की कांग्रेस की तरफ से। संतोष हान सारवान जीत हासिल की मुलाना से, इन्होंने। राजवीर सिंह हार गए। नलवा की बात की जाए, चंद्रमोहन विश्नोई को हार का मुंह देखना पड़ा। रणवीर गंगवा ने जीत हासिल की यहाँ से। नांगल चौधरी की बात की जाए तो अभय सिंह यादव ने यहाँ पर जीत का परचम लहराया, जबकि मंजू यहाँ पर खड़ी हुई थी, उनको हार का स्वाद चखना पड़ा। नारायणगढ़ से रामकृष्ण हारे हैं। नारनौल से कमलेश हारे, जबकि ओम प्रकाश ने जीत हासिल की। नारनौत की बात की जाए, कैप्टन अभिमन्यु जीते हैं यहाँ से। राज सिंह मोर हारे हैं। नरवाना की बात की जाए, पृथ्वी सिंह ने जीत हासिल की है। संतोष रानी को हार का सामना करना पड़ा। भगवान दास ने पूरा जोर लगाया, जीत हासिल की नीलोखेड़ी से इन्होंने। मामूराम हार गए यहाँ से, काफ़ी प्रचार इन्होंने किया लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हो पाई। नूह से बात करें जाकिर हुसैन की, तो उन्होंने जाकिर हुसैन ने जीत हासिल की है। आफ्ताब अहमद को यहाँ पर हार का स्वाद चखना पड़ा। पलवल की बात की जाए तो पलवल से करण सिंह दलाल जीते हैं, दीपक मंगला हारे हैं। पंचकुला की अगर बात कर ली जाए तो कुलभूषण गोयल को हार का सामना करना पड़ा। इनेलो से ज्ञानचंद गुप्ता ने कमल खिलाया यहाँ पर। पानीपत शहर की बात की जाए, रोहिता जीते हैं। वीरेंद्र कुमार शाह को हार का सामना करना पड़ा। पानीपत ग्रामीण की बात करें, नारा सिंह रावल हारे। महिपाल ढांडा ने जीत हासिल की। पटौती विधानसभा क्षेत्र से बता दें आपको, विमला चौधरी जीतने में कामयाब रहीं। गंगाराम इनेलो की तरफ से हारे। पिहुवा की बात करें तो जय भगवान शर्मा हारे, जीत हासिल की बलविंदर सिंह संधु ने। टेक्शन शर्मा बसपा की तरफ से खड़े हुए, ये जीते हैं प्रथला से। हारे हैं नयनपाल। मोहम्मद इलियास हारे हैं पुनहाना से। रहीश खान जीत हासिल करने में कामयाब रहे पुनहाना विधानसभा क्षेत्र से। पुंडरी की बात की जाए, दिनेश कौशिक जीते हैं। रणधीर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। रादौर की बात की जाए, राजकुमार को हार का सामना करना पड़ा, जबकि श्याम सिंह यहाँ पर जीतने में कामयाब रहे। राय की बात की जाए, जयतीर्थ तहिया जीते। इंद्रजीत हारे हैं इनेलो की टिकट पर। गोविंद कांडा हारे यहाँ से, रानिया से जीत हासिल की रामचंद कंबोज ने। तो वहीं रतिया की बात की जाए, सुनीता दुग्गल हारी, जीत हासिल की रविंद्र बलियाला ने। कमल खिलाया रणधीर सिंह कापड़ीवास ने रेवाड़ी में। सतीश यादव नहीं चल पाए, खूब जोर लगाया उन्होंने, हार का सामना करना पड़ा। बीबी बत्रा की बात करें, रोहतक से हारे। मनीष कुमार ग्रोवर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। साढ़ौरा से बलवंत सिंह जीते हैं, जबकि हार का सामना पिंकी को करना पड़ा, इनेलो उम्मीदवार थी। सफीदों से हार का सामना करना पड़ा वंदना शर्मा को। जसवीर देशवाल जीतने में कामयाब रहे। समालखा की बात की जाए, धर्म सिंह छोकर हारे हैं। रविंद्र मछरौली जीतने में कामयाब रहे। कृष्ण कुमार जीते शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से, जबकि हारे रामकरण। सिरसा से माखनलाल सिंगला जीत हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि गोपाल कांडा को सिरसा से हार का सामना करना पड़ा। गोपाल कांडा हारे सोहना से, माखनलाल सिंगला जीते इस विधानसभा क्षेत्र से। वहीं सोनीपत की बात कर ली जाए, देवराज दीवान को हार का सामना करना पड़ा। कविता जैन ने जीत हासिल की। थानेसर की बात करें तो सुभाष सुधा यहाँ से जीती हैं, जबकि अशोक अरोड़ा हारे हैं। तेगांव से ललित नागर जीते, राजेश नागर हारे हैं भाजपा के टिकट पर। इनेलो के टिकट पर निशान सिंह हारे हैं। सुभाष बराला ने टोहाना में कमल खिलाया। तो शाम से कमला रानी हारी, किरण चौधरी ने जीत हासिल की यहाँ पर। उचाना कला की बात की जाए, प्रेमलता सिंह ने जीत हासिल की है। दुष्यंत चौटाला हारे।
यहाँ यमुनानगर की बात की जाए, दिलबाग सिंह हारे हैं, घनश्याम दास जीतने में कामयाब रहे।